नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। चंद दिन पहले सदन चला, सदन में कोई काम की बात नहीं। मणिपुर की उन महिलाओं पर भी चर्चा नहीं हुई जिन्होंने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। किसी भी एक ऐसी बात पर बातचीत नहीं हुई जिससे मन प्रफुल्लित हो जाए कि सदन चलने का फायदा इस देश की जनता को मिला, इस देश की आवाम को मिला। अब एकाएक खबर आती है कि 18 सितंबर से लेके और 22 सितंबर तक सदन चलेगा। चर्चाएं गंभीर हो गई, कयास लगाए जा रहे हैं आखिर होगा क्या। फिर उसमें से एक जिन्न निकला, एक देश एक चुनाव, क्या फायदा क्या नुकसान। इन सब बातों से भारत की जनता अचंभित है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह बनता है, क्या इंडिया की बढ़ती साख से एनडीए के नेताओं में हड़बड़ी मची हुई है? क्या सरकार समझ रही है कि वापसी मोदी है तो अब नामुमकिन है, मुमकिन नहीं रह गई? बहुत चीजें फंसती नजर आ रही हैं। ऐसे ही कोई 200 रुपया सिलेंडर पे नहीं गिराता है, ऐसे ही कोई 150 रुपया कॉमर्शियल सिलेंडर पे नहीं गिराता है, ऐसे ही बीजेपी का नेता ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम 15 से 20 रुपया या 30 रुपया तक डीजल के रेट सस्ते कर देंगे, पेट्रोल के रेट सस्ते कर देंगे। सवाल एक नहीं है, कोई कह रहा है यूसीसी सिविल कोड आ जाएगा, कोई कह रहा है कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक इस सरकार का कयास लगाना मुश्किल है। मैं तो फिर कहूंगा कहीं ऐसा ना हो जो मीडिया जगत की खबरें हैं वो सब झूठी साबित हो और तीसरा जिन्न निकल के आए बोतल से, उसका किसी को पता ही ना हो कि होना क्या है। इस सब पर बातचीत करेंगे हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ प्रेम कुमार जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और सीधा सवाल पहले प्रेम कुमार जी से लेंगे, टीवी के जगत में छाए रहते हैं, हर समय चर्चा में रहते हैं। प्रेम कुमार जी, इस जिन्न को कैसे समझेंगे? एक देश एक चुनाव, कोई कह रहा है सिविल कोड, कोई कह रहा है चुनाव ना होने की एक तैयारी, अभी बहुत कुछ उलझा हुआ है। कैसे देखेंगे जो ये सदन आएगा, कैसे देखेंगे एक चुनाव एक देश, इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा जनता को? जो पूरी चर्चा हो रही है वो हिंदुस्तान में जो 2024 के लिए राजनीति गोटियां सज रही हैं उसी के इर्द गिर्द चर्चा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो एक दबाव का सामना कर रही है कि इस ऐसा प्रतिरोध मिलेगा इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, 2019 में भी नहीं मिला था, जैसा इस बार दिख रहा है इंडिया संगठित रूप में सामने है। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए इसको लेकर के चिंता है। तरह तरह के प्रति जो प्रयोग हैं वो कर सकते हैं, उसको वो आजमाने की कोशिश करते हैं, जैसे यूसीसी को भी आजमाने की कोशिश की लेकिन फिर लगा कि उनका ही नुकसान हो सकता है तो उस पर चुप्पी मार गए। अब एक देश एक चुनाव है, ये भी बहुत सही कह रहे थे अरविंद सर कि इतना मुश्किल है इसको अमली जामा पहनाना कि इनके वश की बात नहीं, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स पैदा करके डिफरेंसेस खड़ा करना और किसी तरीके से किसी मुद्दे को दबाना और किसी को उठाना, यही इसका मकसद है, इसके अलावा दूसरा मकसद नहीं है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना सबसे बड़ा मकसद है कि बेरोजगारी पर फोकस न कर पाए विपक्ष, महंगाई पर फोकस न कर पाए विपक्ष, भ्रष्टाचार के मुद्दे तय न कर पाए और उसका भ्रष्टाचार जो कि नारा नरेंद्र मोदी जी भी देते हैं विपक्ष भी देते हैं, वो मुद्दा उलझ कर रह जाए, वो मुद्दा बन ना पाए। तो ये पूरी रणनीति यही कि असली मुद्दे नहीं बन पाए चुनाव में, इसके लिए फर्जी मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं। एक देश एक चुनाव
इसका मकसद क्या होता है आमतौर पर कि लोकतंत्र मजबूत करेंगे? क्या इससे लोग अभी जो कदम उठाए जाने वाले हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले? अगर लोकतंत्र को मजबूत करना होता तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों बाहर कर दिया जाता, चीफ जस्टिस को? अगर ये नियुक्त करना होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा चोरी छिपे क्यों लेंगे? भाई सारे पार्ट सबके साथ में एक जैसा होना चाहिए, होना चाहिए कि अगर उद्योगपति चंदा दे तो सबको बराबर बराबर चंदा दे, एक उद्योगपति एक समान चंदा, ऐसा भी तो नारा दिया जा सकता है भाई, एक ही पार्टी को सब चंदा देंगे 100 में से 80% 90%? तो ये लोकतंत्र मजबूत करने की कार्रवाई नहीं है। लोकतंत्र मजबूत करने की बात होती तो धन बली और बाहुबली जो संसद में बैठे हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो लोग कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर हो, उस पर बात की जाएगी जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इन बातों को पर चर्चा करने के बजाय हम वहां चर्चा कर रहे हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत नहीं कमजोर होगा। ये एक नाम पर आप सबका वोट लेना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी बनाम अदर्स, मोदी नॉन मोदी करके आपको लोकसभा में भी चाहिए, आपको विधानसभा में भी चाहिए, आप शायद पंचायत चुनाव में भी वही वोट से आप मुखिया बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, एक वोटिंग सिस्टम कराइए कि नरेंद्र मोदी के साथ कौन है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन है, और एक बार जब नरेंद्र मोदी के साथ वोटिंग आ गया तो नरेंद्र मोदी की नॉमिनेट कर दे, कौन विधानसभा में जाएगा, कौन संसद में जाएगा, कौन मुखिया बनेगा, कौन सरपंच बनेगा, बात खत्म, चुनाव तो हो गए भाई, लोकतंत्र मजबूत हो गया। तो बात यहां पर है कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लोकतंत्र को मजबूत नहीं बल्कि उसको कमजोर करने की कवायद चल रही है, ये मैं कहना चाहता हूं।